हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवानीज किचन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है रेसिपीज फ्रॉम दिलसी। घेवर एक ऐसी स्वीट डिश है जो हम सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होती है, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि ये सिर्फ रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर ही मार्केट में अवेलेबल होती है। लेकिन क्यों ना अगर ऐसा हो कि जब भी आपका दिल चाहे और जिस भी मौसम में आप चाहे उसे घर पर इजीली बना पाए तो कितनी बढ़िया बात होगी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप घर पर वही मार्केट वाला जालीदार रबड़ी वाला घेवर बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं वही मार्केट वाला एकदम यमीएस्ट घेवर। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप बहुत ही इजी वे में घर पर ही घेवर को बना सकते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फटाफट से सीख लेते हैं वही मार्केट वाला सुपर यमीएस्ट रबड़ी वाला घेवर। हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो हमें चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो बिना पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें चाहिए 3 बड़ी चम्मच दूध, साथ में हमें चाहिए 1 कप मैदा और हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच देसी घी। ये मेल्टेड देसी घी है, पिघला हुआ है और नॉर्मल टेम्परेचर पर है। और हमें चाहिए एकदम ठंडा पानी बैटर बनाने के लिए। तो सबसे पहले बैटर बनाने के लिए घेवर का हम एक बड़े गहरे बर्तन में देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने के बाद हम इसके अंदर आइस क्यूब डालेंगे। आप चाहे तो छोटे छोटे अगर आइस क्यूब हैं 1-2 ले सकते हैं, अदरवाइज एक बड़ा आइस क्यूब ले सकते हैं जैसे कि यहाँ मैंने लिया है। और इसको हम खूब अच्छे से चलाएंगे। तो जैसे जैसे ये आइस के साथ घी मिक्स होगा वैसे वैसे एकदम ये स्मूथ सा बनता जाएगा। एक क्रीमी स्मूथ हमें ये जो घी है वो मिलेगा। और जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, उसके बाद इसका आप जितना भी एक्स्ट्रा पानी है और आइस क्यूब है वो निकाल के फेंक दें। और इसको खूब अच्छे से लगभग 4 से 5 मिनट तक आप इसको चलाएं ताकि ये स्मूथ हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा एक साथ सारी नहीं डालनी है, हमें पहले थोड़ी सी मैदा डालनी है, यानी कि इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लें और इसको खूब अच्छे से मिक्स करें मैदा को। जब मैदा का एक पोर्शन इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसके अंदर मैदा का जो बचा हुआ पोर्शन है वो डालेंगे और इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हमें ये बैटर एकदम लम्स फ्री, जिसके अंदर गांठें ना हो, ऐसा चाहिए। तो जो मिक्स है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग आपको इस बैटर को बनाने में 10 मिनट लगेंगे और चलाना आपको बहुत अच्छे से है। और इसके अंदर एक भी गांठें नहीं होने चाहिए और रनिंग कंडीशन में हमें चाहिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये दूध। दूध डालने के बाद हम इसको दूध को भी बहुत अच्छे से इस मैदा में मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। पानी एक साथ ना डालें वरना गांठें पड़ जाएंगी, इसलिए एक बार में 2 से 3 चम्मच ही पानी डालें और उसको मिक्स करें। फिर पानी डालें, फिर मिक्स करें, जब तक कि वो एकदम रनिंग कंडीशन में ना हो जाए और बिल्कुल जिसके अंदर गांठें ना हो, ऐसा हमें बैटर चाहिए। जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, एकदम लम्स फ्री और इतना रनिंग कंडीशन में हमें ये घेवर का बैटर चाहिए। अब इस घेवर के बैटर को हम एकदम ठंडे चिल्ड पानी में रखेंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडा बना रहे। और यहाँ मैंने एक भगोने में आधा भगोने से कम देसी घी को खूब तेज गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम बैटर का थोड़ा सा पोर्शन डालेंगे। ध्यान रहे एक बार में आप सारा बैटर ना डालें इसके अंदर, और पहली बार में तो आप सिर्फ 2 से 3 बड़े चम्मच ही बैटर डालें, अदरवाइज क्या होगा कि देसी घी बाहर निकल के आ जाएगा क्योंकि तेज गैस है इसलिए। और गैस हमें इस पूरे प्रोसेस में फुल फ्लेम पर रखनी है, फुल फ्लेम पर ये बनेगा। और बीच में नाइफ की मदद से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, थोड़ा सा जगह बनाएं ताकि आप दूसरे बैटर को भी डाल सकें। तो एक बार जैसे ही आप बैटर डालेंगे तो बबल्स उठेंगे और बबल्स जैसे ही नीचे सेट हो जाते हैं आप दूसरा पोर्शन डालिए बैटर का। इस तरीके से ही पहली बार में 4-5 जो आप पहली बार में डालेंगे वो थोड़ा थोड़ा ही बैटर आप इसके अंदर डालें। उसके बाद लगभग आपको 7 से 8 बार इस बैटर को ऐसी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि एकदम नीचे से बैटर ना डालें, ऊपर से धार बनाते हुए बैटर को डालें तो आपका जो घेवर बन के आएगा वो एकदम बढ़िया जालीदार बनकर आएगा। तो जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ उसी तरीके से आप देखिए। और इसको हमें गैस जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एकदम फुल फ्लेम पर होनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे जो है हमारा घेवर तैयार होता रहेगा। पहले एक लेयर सिकेगी, फिर जैसे आप दूसरा डालेंगे फिर दूसरी सिकेगी। तो हमें जो ये घेवर है एकदम बढ़िया क्रिस्पी चाहिए, लाइट ब्राउन कलर का होना चाहिए। इसमें बीच में जगह बनाते रहें बार बार, जितनी बार आप डालें उतनी बार नाइफ से थोड़ी सी बीच में जगह बना लें, ताकि हमारा जो नेक्स्ट बैटर का जो पोर्शन होगा वो डालने के लिए आपको जगह मिल जाए। तो लेकिन ध्यान जो मैंने आपको बताया वो यही रखना है कि पहली बार में या दूसरी बार में आप घेवर का ज्यादा पोर्शन बिल्कुल ना डालें, अदरवाइज घी सारा बाहर निकला जाएगा और आप जल सकते हैं, इसलिए ये बात बिल्कुल नोट कर लें। तो जब ये हमारा घेवर जो है वो एकदम जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है एकदम लाइट ब्राउन कलर का हो जाए, जैसे कि आपको दिख रहा है ये बहुत बढ़िया तरीके से सिक चुका है, तब हम इसको नाइफ की हेल्प से या आपके पास कोई स्टिक हो उसकी हेल्प से धीरे धीरे करके इसको हम निकालेंगे बाहर, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज्यादा फोका होता है तो बहुत ज्यादा इसको डेलिकेटली आपको निकालना है, बड़े आराम से इसको बाहर निकालना है। और थोड़ी देर आप इसको साइड में ऐसी रखिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो नीचे निकल जाए। आप चाहे तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं, बट मैंने देसी घी यहाँ यूज किया है तो उसकी क्योंकि खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आती है घेवर में, इसीलिए अब हम इसको एक स्टैंड पर रख लेंगे और नीचे एक प्लेट लगा लेंगे ताकि और भी ज्यादा जितना ये इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे प्लेट में निकल जाए। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी। कढ़ाई में हम 1 कप पानी डाल देते हैं और साथ में हम डाल देते हैं यहाँ चीनी 2 कप। आप चाहें अगर ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 2.5 कप भी चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद जब ये चीनी पानी में अच्छे से पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी, घुल जाएगी, जिसे लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे, और इस टाइम मैंने गैस जो है वो फुल फ्लेम पर कर रखी है। तो जब ये पूरी तरीके से घुल जाएगी तब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच दूध। वो दूध डालने से होगा क्या कि चाशनी में जितनी भी इम्प्योरिटी है, यानी कि चीनी की जितनी भी थोड़ी बहुत जो गंदगी होती है, ब्लैक जो उसमें आ जाता है ऊपर चाशनी में, वो एकदम साफ होनी चाहिए हमारी चाशनी। तो ये दूध जैसे हम डालेंगे एकदम साफ हो जाएगी हमारी चाशनी, जितनी भी इसकी इम्प्योरिटी है वो साइड में इकट्ठी हो जाएगी, जिसे आप करछली की सहायता से इजीली आप जो भी देखिए, जैसे कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है ऊपर आ गई है जितनी भी इसकी थोड़ी सी गंदगी थी या इम्प्योरिटी थी, वो आप साइड से आप करछली की हेल्प से बाहर निकाल के फेंक दें और एकदम बढ़िया सी चाशनी आपकी ये यहाँ पर बन जाएगी। और चाशनी को चेक करने के लिए आप कटोरी में आधा कटोरी पानी लें और उसके अंदर चाशनी की 1-2 बूंद डालें। अगर चाशनी नीचे जमना स्टार्ट हो जाती है तो इट मीन्स आपकी चाशनी तैयार है। इस स्टेज पे आप इसके अंदर 2 बड़े चम्मच देसी घी भी डाल दीजिए, जिससे आपकी चाशनी और बढ़िया बनेगी, एकदम खुशबूदार देसी घी की खूब बढ़िया सी खुशबू आएगी। तो इसको अब हम चेक कर लेते हैं डाल के कटोरी में। ये देखिए नीचे जमना स्टार्ट हो गई, इट मीन्स हमारी चाशनी एकदम रेडी है। अब गैस कर दें ऑफ और अब हम इस चाशनी ये जो हमारा शुगर सिरप है इसको हम जो हमने ये घेवर बनाया है बढ़िया सा जालीदार, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बढ़िया घेवर बनकर आया है, और इसके ऊपर हम डालेंगे इसको मीठा करने के लिए। तो खूब अच्छे से इसको कोट कर लें चाशनी के साथ, सब तरफ इसको खूब अच्छे से लगा दें। स्टैंड पे मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा इसका ऑयल था या सिरप डालते समय जितना भी एक्स्ट्रा ये चाशनी हमारी टपकेगी वो नीचे प्लेट में ही टपक जाए और खूब अच्छे से ये कोट हो जाए। अब हम इसके लिए रबड़ी तैयार करते हैं। तो रबड़ी के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 1 कप दूध, और दूध डालने के बाद हम जब ये पूरा बॉईल हो जाएगा दूध तो उसके बाद हम गैस जो है वो मीडियम पर फ्लेम पर कर देंगे। अभी ये फुल है फ्लेम पर, तो जब तक ये बॉयल नहीं आ जाता, इसके अंदर एक उबाल नहीं आ जाता, तो जैसे इसके अंदर उबाल आएगा मैं कर दूंगी गैस को मीडियम फ्लेम पर, और इसको हमें एकदम गाढ़ा होने तक पकाना है। यानी कि दूध जब तक हमारा आधा ना हो जाए, यानी कि 1 कप का आधा कप या उससे भी कम ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाते रहना है। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है ये, और बहुत ही बढ़िया सी हमारी रबड़ी बनकर आएगी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये इलायची पाउडर। ये 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिया है ताकि इसके अंदर खूब बढ़िया सी इलायची की भी खुशबू आए। घर में बनी हुई चीज की बात ही कुछ और होती है। अगर वही मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब भी आपका दिल करे आप किसी भी मौसम में इसे बनाइए, खाइए, बहुत ही मजेदार लगेगा। तो देखिए लगभग हमारी ये गाढ़ी हो रही है रबड़ी। तो जब ये इतनी गाढ़ी हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर देंगे एक ट्विस्ट, यानी कि हम इसके अंदर डालने वाले हैं ये मिल्क मेड। यहाँ मैंने 100 ग्राम मिल्क मेड लिया है और मिल्क मेड को यहाँ मैंने गैस जो है वो मैं आपको बता दूं लो कर दी है और उसके बाद ये मिल्क मेड मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मिल्क मेड का जो फ्लेवर है वो आप सब लोगों को पता है बहुत ही ज्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज्यादा यमी होता है। तो रबड़ी में जब ये जाएगा, गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी और उसके अंदर जब ये मिल्क मेड जाएगा तो एक अलग ही यूनिक सा बहुत ही बढ़िया रबड़ी हमारी बनकर तैयार होगी। लेकिन जिन लोगों के पास मिल्क मेड नहीं है कोई बात नहीं, आप मिल्क मेड मत डालिए, ऐसे ही रबड़ी बनाइए, वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ मिल्क मेड डाला है तो मिल्क मेड अपने आप में बहुत ज्यादा मीठा होता है तो मैं यहाँ शुगर ऐड बिल्कुल नहीं करूंगी। और जो लोग मिल्क मेड नहीं डाल रहे हैं वो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चीनी इसमें ऐड कर दीजिए, इसी स्टेज पर जिस स्टेज पर मैंने मिल्क मेड ऐड किया है, और उसको गाढ़ा होने तक मीडियम फ्लेम पर पकाइए। तो आपकी रबड़ी ऐसी ही बनेगी। और जिन लोगों के पास मिल्क मेड है वो मेरी तरह मिल्क मेड ऐड कीजिए और इसको पकाइए थोड़ी देर और ताकि ये और गाढ़ी हो जाए। अच्छा, ध्यान ये रहे कि अगर ठंडा होने के बाद, क्योंकि मिल्क मेड है इसके अंदर डला हुआ, तो ठंडे होने के बाद रबड़ी जो है वो हमारी और ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। अगर आपकी रबड़ी जो है वो और ज्यादा बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप उस स्टेज पर थोड़ा सा ठंडा ठंडा जो दूध होता है वो उसके अंदर ऐड कर लीजिए, उसको मिक्स कर लीजिए, तो ये रबड़ी थोड़ी सी लूज हो जाएगी अगर आपको बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए। तो अब मैं इसको थोड़ी देर और पका लेती हूँ मध्यम आंच पर। जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रही है ये थोड़ी सी रनिंग कंडीशन में है, लेकिन हमें चाहिए गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी बढ़िया सी। मिल्क में डलने के बाद इसका टेस्ट और भी ज्यादा यमी हो जाता है। तो अब ये हमारी गाढ़ी हो रही है रबड़ी, और जब ये रबड़ी गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसको डालेंगे घेवर के ऊपर, अच्छे से सजाएंगे। कुछ लोग जो है बिना रबड़ी वाला घेवर भी खाते हैं, तो जिन लोगों को बिना रबड़ी वाला घेवर पसंद है तो वो बस जस्ट सिरप उसके ऊपर डालिए और कुछ मनपसंद जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स उसके ऊपर डालिए, सजाइए उसे और ऐसे ही खा लीजिए। लेकिन जिन लोगों को रबड़ी के साथ चाहिए वो इस रबड़ी को बनाएं जैसे कि मैं बना रही हूँ। और अब आपको दिख रहा होगा कि ये रबड़ी एकदम तैयार है, हमें इसी कंसिस्टेंसी की रबड़ी चाहिए। अब हम इस रबड़ी को ये सिरप में डूबे हुए जो हमने घेवर बनाया है एकदम बढ़िया जालीदार, उसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से। खूब सारी आप रबड़ी इसके ऊपर लगाइए अगर आपको रबड़ी ज्यादा पसंद है तो। खूब अच्छे से इस तरीके से हम इसके सब तरफ इसको लगा देंगे। ये देखिए बढ़िया तरीके से हमारी रबड़ी इसके ऊपर लग चुकी है। अब आपके जो मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हैं उससे हम इसे डेकोरेट करेंगे। मैंने यहाँ पर बादाम और काजू और चिरौंजी यूज किया है। इसको मैंने पतले पतले स्लाइसेस में बादाम को काट दिया है, उससे मैं इसको डेकोरेट करूंगी। आप चाहे तो पिस्ते भी डाल सकते हैं और जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स वो आप डालिए। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स लगने के बाद तैयार है हमारा ये बढ़िया सा सुपर डिलीशियस मार्केट स्टाइल घेवर। आप चाहें तो इस तरीके से 2 बनाकर एक के ऊपर एक इसे रखिए, लाइक जैसे मार्केट में मिलता है, जैसे हलवाई बनाते हैं। एंजॉय कीजिए इस घर में बने हुए घेवर को। यकीन मानिए अगर आपने इसी तरीके से इस घेवर को बनाया और अगर आपने घर वालों को खिलाया तो आपके घर वाले जो है वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये घर पे बना हुआ घेवर है। तो सरप्राइज दीजिए उन्हें, इतना बढ़िया सरप्राइज मीठे का। एंजॉय कीजिए इस घेवर को। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगी वहां पर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है वैसे ही आप फॉलो कीजिए तो एकदम बढ़िया सा ये घेवर बन के आएगा जो